हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रमास किचन। मैं रमा आपका मेरे किचन में वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कपकेक्स, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अंडे और इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसके साथ ही 200 ग्राम जितनी चीनी ऐड कर रही हूँ मैं। चीनी कम या ज़्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साथ ही में 1 ग्लास जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं, इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, कुछ कतरे वनीला एसेंस के, 200 ग्राम सीफ्ट किया हुआ मैदा यानी कि छाना हुआ मैदा, इस बैटर को हम कपकेक्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसे 160 डिग्री पर 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। इसके बाद हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ml जितना क्रीम लिया है और 2 टेबलस्पून जितना पाउडर शुगर, 1 टेबलस्पून जितना क्रीम स्टिफनर, और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जब तक कि ये क्रीम बन जाए। इसे अच्छी तरह से फेंटते रहना है इस तरह से। ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे कपकेक्स के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया था और इसे हम अब कपकेक्स के ऊपर लगाएंगे इस तरह से। और इसी तरह से सारे कपकेक्स को हम सजाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे डेकोरेट करूँगी। इस तरह के मैंने शुगर डेकोरेशंस लिए थे और एक एक करके सारे कपकेक्स के ऊपर इसे लगाएंगे। तो इसी के साथ वनीला कपकेक्स की रेसिपी ख़त्म होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।